नमस्कार दोस्तों, आज आपका पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि गुरु पर्वत पर बनने वाले शुभ साइन के बारे में, शुभ चिन्हों के बारे में। जैसे कि गुरु का एक ज्ञान का भंडार का ग्रह माना जाता है और गुरु को देवताओं का आचार्य माना जाता है। शादी कराने की जो जिम्मेवारी है वो गुरुदेव बृहस्पति देव की है। अगर आपके शादी में होने वाली विघ्न बाधाएं हैं, अगर गुरु का पर्वत अच्छा है, गुरु के पर्वत के ऊपर बने वाले चिन्ह जो हैं शुभ हैं, तो आपके विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। जैसे कि गुरु को एक ज्ञान का ग्रह मानते हैं, गुरु को एक नेतृत्व करने की क्षमता होती है, गुरु को एक पावर देने की क्षमता होती है, गुरु को एक अथॉरिटी की शिक्षा देने की होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक रोचक जानकारी मिलने वाली है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ के मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली ये हमारी जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीने के अंदाज के बारे में बताती है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है। ये हमारी हृदय रेखा, हम एक दूसरे के साथ कितना अटैचमेंट है, हमारा इमोशनल प्यार है, उसके बारे में बताती है। अब अपने हस्त रेखा में देखते हैं कि गुरु का पर्वत और गुरु के फिंगर कहाँ पे है। सबसे पहले ये गुरु की फिंगर है, गुरु के फिंगर और ये गुरु का पर्वत है। गुरु का पर्वत बड़ा होना इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। और अगर गुरु के पर्वत पर शुभ साइन है, जैसे यहाँ पे हम पहले शुभ साइन की बात करते हैं, अगर यहाँ पर त्रिकोण बनता है, ये त्रिकोण बनता है, तो ये काफ़ी शुभ साइन मानी जाती है। त्रिकोण की साइन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, पॉलिटिकल में जाते हैं, नाम कमाते हैं, जिस भी फील्ड में होते हैं उनमें नाम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, खूब तरक्की करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता होती है और काफ़ी उच्च पदों पर पहुंचते हैं। त्रिकोण का होना व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देता है। चाहे वो व्यक्ति गरीब घर में पैदा क्यों ना हो, उसको उसके नेतृत्व करने की क्षमता उसको पावर देता है। जितना बड़ा गुरु का पर्वत होगा उतना राज करने की आपको पावर देता है। अब यहाँ पर दूसरी शुभ साइन क्या है, जैसे कि यहाँ पर दूसरी शुभ साइन हम मानते हैं एक सीधी खड़ी रेखा को। ये सीधी खड़ी रेखा है अगर आपके हाथ में, ये आपकी प्रोग्रेस रेखा है, आपकी उन्नत रेखा है। अगर ये रेखा है तो जीवन भर आपकी प्रगति होती रहती है, निरंतर आप प्रयास में रहते हैं, ऊंचाइयों पर पहुँचते हैं। अगर ये दो तीन रेखाएं होती हैं तो उसके गुणों को जो है ना थोड़ा सा बांट देती हैं, उसके प्रभाव को थोड़ा सा डिवाइड कर देती हैं। और अगर ये सिंगल होती है तो इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब इसी के साथ एक और शुभ साइन देखते हैं। अब गुरु के पर्वत पर जहाँ पर वर्गाकार, ये वर्गाकार बनता है। वर्गाकार यहाँ पे उच्च अथॉरिटी का कारक है। ऐसे व्यक्ति जो होता है जिंदगी में अपने एक मकान में रहने का सौभाग्य मिलता है, वो अपने दम पर मकान की प्राप्ति करता है। जितना बड़ा वर्गाकार होगा उतने बड़े घर में रहने का उसको सौभाग्य मिलता है। इसी के साथ एक शुभ साइन और देखते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइनें जितनी ज़्यादा होगी उतनी इंसान के अंदर उतनी इनकम के माध्यम से इनकम होगी। मल्टीपल इनकम के बारे में बताती है, एक व्यवसाय से नहीं, उसके कई व्यवसाय से उसके पास इनकम का स्रोत बनेगा। और यहाँ पर एक शुभ साइन और देखते हैं। यहाँ पर स्टार क्या करता है, अगर ये स्टार कंप्लीट है,
पूरी तरह से प्रॉपर बना हुआ है, तो स्टार का काम है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, उसकी एनर्जी को और उसके गुणों को बढ़ा देना। जितना यहाँ पर एक अच्छे शोहरत देता है, उसके गुणों को बढ़ाता है, और उच्च पदों पर जैसे बड़े हुए ऊंचे ऊंचे पदे पर आसीन लोगों से संबंध बन जाते हैं ऐसे लोगों के, और उनके द्वारा जिंदगी में लाभ मिलते रहते हैं, एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हैं, और इंसान के जो क्वालिटी हैं उसमें निखार आता है, एक बढ़ोतरी का काम करता है। इसी के साथ एक शुभ साइन और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर क्रॉस बनता है, ये क्रॉस बनता है, बहुत ही खूबियाँ देता है, बहुत सी सारी खूबी देता है। वैसी तो हस्तरेखा में इस क्रॉस का साइन अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन गुरु के पर्वत पर ये काफ़ी शुभ साइन माना जाता है। पति और पत्नी के बीच में एक मधुर रिश्ते को कायम करता है, और ऐसी व्यक्ति जो होते हैं ना, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नत करते हैं, काफ़ी तरक्की करते हैं, और गुरु बनने का काम करते हैं, और टीचर में होते हैं तो ये उच्च अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्त हो जाती है, और मैरिज लाइफ इनकी बहुत ही अच्छी होती है, और ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप बहुत अच्छी चलती है। इसी के साथ एक अशुभ साइन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक तिल की साइन देखते हैं। यहाँ पर एक तिल, काला तिल, तिल बदनामी का चिन्ह होता है, व्यक्ति के रेपुटेशन को खराब कर देता है, समाज में खत्म करने का काम करता है। किसी न किसी कारण से उस व्यक्ति को बदनामी करा ही देता है। अगर यहाँ पर तिल बनता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है शराब का अधिक सेवन करता है, उसकी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे गुरु के उपाय करने चाहिए, जैसे कि बृहस्पतिवार के दिन पूजा करनी चाहिए गुरुदेव की, बृहस्पतिदेव की, और केले की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके उपाय से, गुरु के उपाय करने से उसके दोषों को दूर कर देता है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।